छी, इतनी गंदी है तुम्हारी दुकान, इतनी मिट्टी है, सफाई नहीं करते हो। अब जगह दिया तो नाम तो बता। नूरी, तेरा? बोला। मुमताज बेगम ना बड़ी प्यारी और मेरी उससे बड़ी बड़ी यारी है, तुम भी मुझे यारी कर ले। परे करिए अपने गंदे हाथ। नूरी, और चाचे को सलाम कर। चाचा ना बना ना मुझे यार, मेरा हम उम्र ना मान। अरे इसकी अम्मा बाबा के यहाँ पूरे 17 साल गुजारे मैंने, बेचारी इसको संभालते संभालते हलकान हो जाती है और जब मौका मिलता है इस मनहूस को रस्सी तोड़ा के भाग जाता है। मर्द घोड़ा और शोका कभी बूढ़े नहीं होते। और अभी तेरी उम्र ही क्या है? ले, 3 बच्चे हैं इसके और सौतन की निशानियां पालने के लिए कोई इसको अपनी लड़की नहीं देगा। शौके, मैं तो कहती हूँ कि बच्चे जाके ननके छोड़ा, फिर देख एक से एक रिश्ता मिलेगा। खून सफेद हो गया उनका मिली। वो मोई बागी लड़की को मरने के बाद माफ नहीं किया तो बच्चे क्या खाक पालेंगे? वैसे भी लड़के हैं, कुछ सालों में बाजू बनेंगे मेरा, तो भात से क्यों जाने तू? वैसे शोके, मैंने सुना, मेरा मतलब है कि गांव वाले कहते हैं कि तू खैर से जेल भी काट के है। उनका तो काम है, वो तो यही बात करेंगे। ओ देखो मद जात के 100 मसले 100 बखेड़े। नंबरदारों की कुड़ी बगाई थी मैंने, चुप तो नहीं बैठना, मुठे सीधे मुकदमे बना दिया तुमने। लोग यही तो बात लेकर बैठे हैं, डरते हैं अपनी बेटी देते हुए। बड़ा माल कमा के लाए हो अम्मी जी, एक से एक लड़की मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नूरी, नूरी जी, इस पे लगाम को मैं बस में अकेले नहीं बिठाने वाली, कहीं का कहीं निकल जाएगा। तू जा रही है ना, इसको साथ लेके जाना, और तू हिलना नहीं यहाँ से, आराम से बैठ। चल बुला बाट। तूने कुंडी तो काटा मुझे कि मैं नहाऊंगा डोऊंगा सही तरह करके साफ सुथरा होऊंगा, तो तू तू मुझे हार भी मिलाएगी और तू ना यारी भी करेगी। चल चल वहां जाके बैठ। झूठी झूठी झूठी, आपकी चोरी पकड़ी गई है जी। हाँ जी, हाँ जी, पकड़ी गई है आपकी चोरी। कैसी चोरी? देखा है मैंने, मैंने देखा है, मुझे जब वो नहला रही थी ना अम्मा, तू 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 शुभ शुभ के नहीं हो, मुझे देख रही थी। तौबा तौबा दफा दूर। सुन, सच सच बता, तू है भी दुनिया को दिखाने के लिए बोला बनता है ना, अंदर से तो पूरा है ना? चल चल चले। कहाँ? वो बुड्ढी 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 तवीज धागों वाली करनानी जादूगरनी ने कहा था ना कि तू मुझे लेके जाएगी। हाँ वो अभी नहीं जाना है, वहां जाके बैठ, थोड़ी देर में जाना है। वो तो बाद में जाएंगी ना जी, बाद में जाएंगे जी, अभी चल 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 सर्कस चलते हैं। चल सर्कस, फिर से वही सर्कस। मेरी मुमताज बेगम, मेरी मोहब्बत, मेरी आशिकी, वो मैं चाहता हूँ ना आखिरी दफा उसको बस गले से लगा लूँ, उसको आखिरी दफा गले से लगा लूँ। मुझे मुझे बताया उन्होंने, मेरी मुमताज बेगम जो है ना वो सर्कस लेके वो लोग ना शहर से बहुत जुआ रहे हैं। अच्छा चल चल, हम चलते हैं, देखते हैं, मैं भी ज़रा देखूँ कौन है ये तेरी मुमताज बेगम, उसने तो जैसे दीवाने को और दीवाना बना दिया। हाँ जी हाँ जी, मेरी मोहब्बत, मेरी आशिकी, मेरी कुछ मर्जी आशिकी।
ये है मेरी जान, मेरी मेरी दिलबर। हाय अल्लाह। ए जाने मन, तेरे साथ भला क्या मसला है? तू कब कभी इधर कभी उधर कभी कहीं कभी कहीं, मैं पागलों की तरह भला ऐसे ही तेरे पीछे ही भागते भागते मैंने अपनी जिंदगी गुजार देनी है। वो घर घर जाता हूँ वापस, तो कभी कभी तो घर का रास्ता भूल जाता हूँ, घूम जाता हूँ, घर का पता ही नहीं चलता कि घर में कैसे जाना है। क्या मसला तेरा? सुनो, तुम्हें बोलना आता है? ऐसा वैसा ऐसी 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 मीठी मक्खन मक्खन मलाई वाली मोहब्बत भरी बातें करती है भोले के साथ ये। सुनो, तुम हमेशा से ऐसी थी, मतलब ऐसे आधा आधा धर लोमड़ी का और ऐसे मर्दुमा औरत, मतलब कुछ ऐसा मुँह। हाँ, हमारा नाम मुमताज बेगम है। आज से 10 साल पहले कुछ जालिम लोग हमें अफ्रीका से उठाकर यहाँ ले आए थे, तब से हम यहाँ पे कैद हैं। तो तुम जंगल में भी ऐसी थी? जी बाजी। दफा दूर, बाजी होगी कोई और, किसी और को कहना बाजी। मेरी और मेरी जान मुमताज बेगम जी की जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तो तब मुझे इसने बताया था कि ये वो क्या कहते हैं उसे, हाँ पिदाइशी, ऐसे ही पिदाइशी हो गई थी। तो इस हिसाब से तो इसके माँ और बाप को आधा तीतर आधा बटेर होना चाहिए। हमारी माँ लूमड़ी थी और बाप इंसान। हम अपने माँ बाप की मोहब्बत की आखिरी निशानी है। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं कहना, वो एक इंतहाई शरीफ लोमड़ी थी। नहीं नहीं, मैंने क्यों कहना है भला? मैंने भला क्यों कहना है? वो मेरी तो सास की इज्जत करते हैं जी। नहीं मानी को मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है? तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो आज, चलो जाओ यहाँ से, मुमताज बेगम के आराम का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, बड़ा आराम से तो आराम से करके बैठी हुई है। तू कौन था? झाड़ू पेर रही है, बैठी तो ही है आराम से। बोले तू समझा नहीं ना, मुमताज बेगम थक गई हैं तो वो अब थोड़ा टहलना चाहती है। एक काम करो मुमताज बेगम, हमारे सामने टहल के दिखाओ, चलो हमारे सामने चलो। तू ना मेरे साथ चल भी रहा है। आए मजे आए कि तुझे मजे तू भी लेके जाओगा, घूमेगी तू, मजे करेगी तू, चल भी। चलो, लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। बहुत ज्यादा याद करता हूँ और तुझसे मोहब्बत का इजहार भी कर देता हूँ, अपना ख्याल कर मेरी जानू। गुड हाफिज शहबाज, टिकट पिला दे। गला ही बैठ गया। For the Asian countries, have controlled their population, have to. Assalam alaikum baji. घर में सब कैसे थे? और अम्मा जन्नत थे? सब खैरियत से, वो आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पेपर कब है? बस परसों पहले। ठीक है, दिल लगा कर पढ़ो, और जब तक पेपर है तुम फैक्ट्री मत जाया करो। नहीं नहीं बाजी, 2 घंटे का ही तो पर्चा होता है और मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी। पूरी शाम पूरी रात पड़ी है पढ़ने के लिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देख लेना, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे हों, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बता। शुक्रिया। लाइट बंद कर दे यार, सुबह उठ के मुझे काम भी करना होता है। नूरे, खुदा का वास्ता लाइट बंद कर देना, कर भी दे।
आखिरी पेपर हो गया। चलो तुम्हारी शक्ल तो नजर आई, वरना मुझे लगा तुम्हारे पेपर नहीं तुम्हें काले पानी की सजा होगी। तुम्हें मेरी शक्ल क्यों देखनी थी? नहीं, मेरा मतलब है 10,000 काम होते हैं इंसान को, तुम्हें कोई काम था? रोज आ जाती हो तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने, इसलिए, वरना तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे क्या करना है, कोई इतनी खास नहीं है। आम भी नहीं है। दुकान बंद करनी है मुझे, काम है। आए रोज तुम्हारी दुकान बंद होती है। साहिर साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा? ना दुकान चलेगी और ना तुम एक दिन बड़े कारोबारी बनोगे। क्योंकि मैं कारोबारी हूँ भी नहीं, मजदूर आदमी हूँ, तनख्वाह लेने वाला। और हमारा एक ही असूल है, तनख्वाह वक्त पे मिले और पूरी मिले, बाकी सब भाड़ में जाए, समझी? तो ये दुकान तुम्हारी नहीं है, है? तुम मुझे, हाय अल्लाह। चलो खैर जो भी है, नौकरी तो है ना तुम्हारे पास, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे ही हलाल कर लो। ये हलाल खा खा के ना बदहजमी हो गई मुझे। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया तो मैं दुकान बंद कर लूं? कर लो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। सबसे पहली बात कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, दूसरी बात कि तुम काम चोर हो, और तीसरी बात तुम्हारी ये नवाबों वाली अकड़। टाफियां लेकर जा रही हूँ, कल पैसे दे दूंगी। जूतों समेत आंखों में घुस आती है कम्बा, किसी दिन आंखों से फिसल के कहीं सीधी दिल में ना जा गई। रुक, रुक! क्या हुआ मैडम? तुझे इतनी बड़ी सड़क नहीं नजर आती? हाँ, भरी सड़क छोड़ के तुझे इधर उधर क्या चलाने का शौक चढ़ा हुआ है? हाँ, एक मील से तुझे आवाजें लगाती हुई आ रही हूँ, पूरे मेरे कपड़े तूने कीचड़ से भर दिए। सॉरी मैम। ओए सॉरी के बच्चे, ऐसे निकलने नहीं दूंगी मैं तुझे। तो क्या आप पुलिस को बुलवाएंगी कीचड़ डालने के जुर्म में? हटो, अपना काम करो। ओए, काम ना मुझे भी बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ ये काम है कि मैं तेरी सही की फेटी लगाऊं। तूने सारे मेरे कपड़े गंदे कर दिए, शर्म नहीं आती तुझे? एक जगह नहीं चला सकता? दिमाग खराब हो गया तेरा, बावली हो गई है तू, क्यों तमाशा लगा रही है सड़क पे? मेरे बारे में ऐसी बकवास की ना तो मेरे जबान खींच लेनी है। अरे माँ बहन को क्यों बीच में ला रही हो? क्या बात है यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो? साहिद एक सेकंड रुक जाओ। अरे भाई इस पागल को समझाओ, ये पागल हो गई है। तेरा पूरा खानदान पागल, तेरा बाप पागल, छोड़ा साहिद। अरे बाप को क्यों बीच में ला रही हो? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको बजा रही हो उसको। गाली किसे दी? दाग उतर गए? ऐसी परेशान हो रही थी। अच्छा वो कुछ बाजी कह रही थी तुम सुबह ना अपने घर चली जाओ, 2 हफ्ते हो गए तुम परचों की वजह से घर नहीं गई। क्या हुआ, तुम्हारा घर जाने को दिल नहीं करता क्या? मुझे एक बात बता, कुछ पूछना था तुझसे। पूछ। अगर कोई तेरी बेइज्जती करे या गाली दे तो सबसे ज्यादा गुस्सा किससे आएगा? उसी को जिसको मेरी इज्जत और मेरी सबसे ज्यादा परवाह होगी। परवाह या फिर मोहब्बत? मोहब्बत होगी तो परवाह होगी ना, वरना एक बात बताओ, कोई किसी के लिए कुछ करता है क्या? नहीं ना, तू समझ नहीं रही है। देख मैं तुझे समझाती हूँ। जैसे अगर किसी ने तेरी बेइज्जती की तो जिससे तेरी परवाह है या जो तुझसे मोहब्बत करता है वो क्या करेगा? करना क्या है, मुंह तोड़ देगा उसका, फेंटी लगाएगा।
खुद से अबाजी ने मुझसे चाय मांगी थी, मैं भी आती हूँ। तकलीफ हो रही होगी ना? बहुत ढीठू मैं, बताया तो था मौलवी का बेटा हूँ, बचपन में खाने से ज्यादा मार खाई है मैंने। साहिर? उसका? नहीं, धूप बहुत है। दो दिन तो रहोगी ना गाँव? तुम नहीं जाते अपने घर? चलो तुमने पूछा तो सही, मैं तो समझा पूरी खुद खा जाओगी। शुक्रिया। मेरे साथ जाओगे ना तो ऐसे ही ऐश करोगे। तुम्हारे साथ ऐश पक्का? मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी फिर। अभी से टाइम हो गया, चुकल तोड़े और सदा देने में हेलो गड्डी है जितिक अजय तक साफ नहीं कीती है, किए तो रहता जे आ दाल चौल रौनकें आ गई है। कहो तो मैं छोड़ाऊं कार, ये गड्डी चाबी क्यों? अब ये काम भी शुरू कर दिया सवारियां उठाने का? साथ से ड्राइवर समझ ले अपना, जैसे को तो मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं। दफा हो! तुझे तो मैं हमेशा के लिए रख लूं, पूरी जिंदगी में अथरी है। अभी तो मैश करवाने की बातें कर रही थी, करवाने की बातें कर रही थी, तो मैश करवाने की बातें कर रही थी साथ। सो जा नूरी, ये क्या किसी बदरू की तरह तू उठक बैठक कर रही है? बेबे खामोश हो जा, तंग न कर, सो जा। लाना तो तुम पे जाहिर, इस भरी दुनिया में तुम्हें एक मेरा ही तन मिला था लूटने को। तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो और गरीब भी। ना ना, गरीब तुम नहीं लगती, मुझे लगता है जैसे पुराने जमाने में बादशाह और खलीफा रातों में पुराने कपड़े पहनकर भेष बदल कर निकलते थे, तुम भी ऐसी कोई शहजादी हो, अपनी किसी कनीज की स्याह चादर में छुपी शहजादी। कहीं इसी सोच की वजह से तुम मेरे पीछे तो नहीं लगे हो? मैं तुम्हारे पीछे? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम रहती कहाँ पर। हाल बता, तुम रोज मेरी दुकान पर आ जाती हो मेरे पीछे। दफा दूर फर्नीचर, एक पूरी कौड़ी नहीं है तुम्हारी जेब में, और जिस दुकान की बिक्री 2000 से कम की हो वहां के मुलाजिम की क्या तनख्वाह होगी ये सबको पता। हाँ अलबत्ता खाने आ जाती हूँ।
ये अच्छे हैं तुम्हारे पास दुकान में, पैसे भी देती हूँ। नूरी उठ के नमाज पढ़ बेटा, उठ। यही तो मुसीबत है, हर जगह घुस आता है। कौन कौन घुस आता है? कोई नहीं। तुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा? जी बावली हरकतें कर रही है। हाँ भाई, तो आपसे पूछना चाहती हूँ अम्मा जी, मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा? हाँ कुछ रख के भूल गई क्या? हाँ रख दियो। क्या बोलने जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा जी मैं शहर जा रही हूँ। क्या कल तो आई है, तू तो दो दिन रुकती है और अभी शहर को क्यों भाग रही है तू? मैं तो रह जाऊं मगर ये दिल नहीं रहता ना, और दिल के बगैर भला कोई रह सकता है? क्यों बोल रही है तू? तो किसी से नाराज होके जा रही है? नहीं राजी होके। ये समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कह रही है? अम्मा जी अभी ना रोकें, अभी ना रोके जाने से। अभी आपने ही तो मुझे याद दिलाया कि मैं क्या भूल आई हूँ। लेकिन अब भूल आई तो भूल आई ना, दे दिया तो दे दिया। क्या दे दिया? लेकिन चीज तो अपनी है ना, ख्याल तो रखना पड़ेगा। और जिसे दी है से कहना भी पड़ेगा कि संभाल कर रखे। मैं जा रही हूं। तो किधर भागे जा रही है? ए भी आजा, चल। एक मिनट नूरी, तो मैं जल जाऊंगी तो मैं छोड़ा तू। मैं जलती नहीं जला देती हूँ। वो मैं कर गया था तेरे, तो वो माँ तेरी बता रही थी कि रात को गर्मी और मच्छरों की वजह से सो नहीं सकी थी। वो मैंने कह दिया तेरे पे उसे शाम तक लग जाना पक्का। क्यों किस खुशी में? बहुत पैसा है तेरे पास लुटाने के लिए? पैसा तो बहुत है, बस समझ में नहीं आता क्या करूं इसका, कहाँ खर्च करूं, तू बता। इतना पैसा है तेरे पास तो मैं बताती हूँ कि तू कहाँ खर्च कर। मैं सोच रही हूँ कि तू जाकर अपने बाप दादा की कब्र को क्यों नहीं पक्का करा देता, गांव के कुत्ते। और तेरी कब्र तो मैं तेरी पक्की कराऊंगा, लिखवाऊंगा नूरी बेगम जौजा शौकत, लेकिन पहले जौजा तो बना लो, जौजा नंबर दो शेरों वाली। तिक्षी है, तिक्षी मिर्च। साहिर, 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 तुम बड़ी जल्दी वापस आ गई, करने क्या गई थी फिर? पता नहीं, या शायद पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने? तुम्हारा। मेरा? मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा पता लगाने गांव गई थी? गांव ना जाती तो पता कैसे लगता कि मैं क्या भूल गई हूँ? क्या भूल गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, होता तो रख लेता संभाल के। तो लिया है तुमने क्या?
मेरा सब कुछ। गांव के उर्स में भंग के पकोड़े तो नहीं खा के आ रही थी, या फिर किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरी होगी, साया होगा। हाँ, साया, बड़ा वाला साया। मुरी, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई थी। कहो। वैसे तो देखो, ये बात तुम्हें कहनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा मसला ये कि मैं दिल की बात है इतनी देर पेट में दबा के नहीं रख सकती, तो तुम कहो या मैं कहूँ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अब कह भी चुको, क्या बात? मुझे ना तुमसे कुछ प्यार सा हो गया। क्या? मोहब्बत हो गई है, सच्ची वाली, मुंह जोर किस्म की, बहुत जोर से। तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, कब से? कल से, परसों, या शायद हमेशा से। जाओ नूरी, काम करो और मुझे भी काम करो। तुम मेरी मोहब्बत से इनकार कर रहे हो? छी, जबरदस्ती है ये। इधर देख के बात करो, आंखों में आंखें डाल के कहो जो कहना चाहते हो। तुमसे कहा है यार, तुमसे मोहब्बत हो गई तो मान क्यों नहीं लेते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ कि हाँ हो गई है मोहब्बत, अब हो गई है तो हो गई है ना, कुछ कर तो नहीं सकते अब इसका। अजीब हो तुम, ये अच्छी धों से इजहारे मोहब्बत कर रही हो या जगह टैक्स ले रही हो? मुझे नहीं पता कैसे करते हैं इजहार, लेकिन आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता तुमसे। परे, ये दुकान है मेरी, वो भी सड़क पर, छापा पड़वा के अंदर करवाने क्या तुमने? जाओ यहां से। चली जाओ। हाँ जाओ, जब अगर ठिकाने आ जाए तो आ जाना, और अगर ना आए तो मत आना। पक्का चली जाऊंगी। जाओ ना। नूरी, क्या है अब? वही है यार जो तुझे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हाँ, तो कहो ना कि प्यार करते हो। हाँ, तुम्हें सब कुछ पसंद है, मेरे साथ रहना, मेरे साथ बातें करना, मुझे देखना, मैं प्यारी हूँ, तुम्हें सब कुछ पसंद है। हाँ, बहुत कुछ, तुम्हारी खुदसरी, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारे नखरे, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी मेहनत, और सबसे बढ़कर इस तरह तो हमें बहुत कुछ पसंद आता है नूरी, बहुत से लोगों की बहुत सी बातें, उसे मोहब्बत नहीं कहते। तो और किसे कहते हैं मोहब्बत? साहिर यही मोहब्बत है जो मैं तुमसे करती हूँ, तुम मुझसे करते हो। चलो ना, मान भी जाओ, ज्यादा नखरे ना। नहीं नहीं नहीं, अब क्यों मुकर रहे हो? थोड़ी देर पहले तो वहां पे खड़े हुए कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। चलो ना, आप नखरे नहीं दिखाओ साहिर, मुझे पता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नूरी।
नहीं है मोहब्बत? नहीं नहीं है मोहब्बत तो ना सही, नूरी भी मरनी रही है तुम्हारे लिए। खिलाओ मुझे अब्बा की बरसी का खाना। बस बंद कर। बिरयानी कोफ्ते देख रही हो तुम? छोटी बोटी छोटी बोटी, इतना ढीठ है कोई असर नहीं इस पे। एक मारू ना मुंह तोड़ दूं। बस करे भाभी, बैठे बैठे। अरे मार पीट का भी कोई वक्त होता है, अब ईशा के वक्त रोना अच्छा नहीं होता। क्यों मारे जा रही है बेचारे को? हाँ जी बिल्कुल सही, समझदारी की बात कर रही है चची। चची वो अम्मा कोई एक वक्त तय कर लो मारने का और रोने का। वो ड्रामों में कहते हैं ना शुभ मुहूर्त। हाँ ड्रामों से याद आया, नागिन का क्या बना चची? अचार बना। अचार? आए नागिन का चार आए ये आए। देख इसको सब कसके लेने आते हैं, वैसे दीवाना बना फिरता है। चुप कर जा बोले। इसीलिए बोले की कमर को रवी का तंदूर समझ के रोटियां लगाती है थाप थाप थाप। इसीलिए तंग आ गया घर से चला जाता हूँ मैं बता रहा हूँ अम्मा, अब के जाऊंगा ना तो वापस नहीं आऊंगा। वापस लौट के नहीं आएगा, माँ को छोड़ के चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। भाभी कोई ख्याल है माँ का? कोई ख्याल है तुझे माँ का? इंतजार दे रे रे आया टप टप गलियां लब दी भिड़ा में तनु पाल पाल पत्तियां माही लगी भी लो। पहले मनाओ। तुम मान चुकी हो वरना यहां ना बैठी होती। अब माने वे को क्या मनाना? तो फिर मानो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। घर पे सब ठीक है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। अगर मैं कहूं नहीं करता तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम क्यों नहीं करते। मैंने तुमसे पूछा तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करती हो? हाँ नहीं पूछा, लेकिन तुम्हें रोका किसने? पूछ लो अभी पूछो। बताओ क्यों करती हो मुझसे मोहब्बत?
मैं तुमसे मोहब्बत इसलिए करती हूँ क्योंकि नहीं बता सकती, क्योंकि हर बात का कोई जवाब नहीं होता, कोई वजह नहीं होती। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत है साहिर, बस इस चीज का एहसास नहीं है तुम्हें। और अगर अभी नहीं भी है ना तो भी हो जाएगी, तुम देख लेना, मैं तुमसे मोहब्बत करवा लूंगी, और अगर ना करवा सकी ना तो नाम बदल देना। मेरा क्या है, मैं तो जब चाहे तुमसे कह दूं मैं तुम्हें चाहता हूं। कहने से क्या होता, अभी सुनना चाहती हूँ अभी सुन लो, मैं तुमसे प्यार इश्क मोहब्बत सब करता हूँ बस। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करवा लूंगी, कहलवा नहीं लूंगी। करने में और कहने में बहुत फर्क होता है साहिब। अगर तुम कहने और होने का फर्क जानती हो तो मोहब्बत के खुद बहुत होने और धौंस देकर करवाने का फर्क भी जानती होगी। वैसे अगर तुम चुप रहो तो शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। चाय पी। बस